नमस्कार, मैं परविंद कुमार वर्मा एक बार पुनः आप लोगों के बीच एक नए प्रकरण के साथ। आज मैं जिस टॉपिक का जिस शीर्षक पर बात करने वाला हूँ वह बीएड स्पेशल एजुकेशन के एक प्रश्नपत्र 111 ओरिएंटेशन मोबिलिटी का पहले खंड का तीसरा यूनिट है। चूँकि इस पर मैंने पहले भी बातचीत किया हुआ है, उसी के क्रम में मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप लोग को विदित है कि जब ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर होगा तो आप जो आउटकम स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सारे आउटकम आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रकार के हम कोई बातचीत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई उद्देश्य है और किसी न किसी उद्देश्य की वो पूर्ति कर रहा है। चूँकि हम स्पेशल एजुकेटर हैं और खासकर हमारी विशेषज्ञता जो है दृष्टि बाधा के क्षेत्र में है, तो इस प्रश्न पत्र की जो प्रासंगिकता है और बढ़ जाती है अन्य प्रश्न पत्रों की अपेक्षा। तो इसमें हम जो देखने का प्रयास करेंगे वो हम ये देखेंगे कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की जो ट्रेनिंग है, हमने पूर्व में ओरिएंटेशन और मोबिलिटी क्या होता है, उसके प्रकरण क्या है, उसकी सारी बातों को हमने देख लिया है। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो एक स्पेशल एजुकेटर जो आप बनेंगे चाहे जो हैं, वो ओरिएंटेशन की जो ट्रेनिंग होती है उनके कंटेक्स्ट में कैसे दिया जाए ताकि एक दृष्टिबाधित बच्चा अपने आप को पूरे वातावरण में स्वयं को स्थापित कर पाए। स्थापित करना बड़ी चुनौती होती है। आप किसी भी एक चीज़ को आप कल्पना करके देखिए कि जब अब आपको कोई भी चीज़ जब दी जाती है, आपको आँख, जैसे छोटे बच्चे जो एक गेम खेलते हैं कि आँख बंद करके ढूंढने वाला कार्य करते हैं, तो जो ढूंढने वाला कार्य करते हैं वो तो मोबिलिटी कर ही रहा है, इधर उधर घूम के खोज रहा है। लेकिन जिस बच्चे को पकड़ना है वो बच्चा कहाँ है, किस रूप में है, किस तरीके से वहाँ पहुँचता है वो। आप एक छोटा सा गेम जो हम लोग बचपन में खेलते हैं, जो बच्चे हमेशा खेलते हैं कि आँख पे पट्टी बांध लेंगे और उसके बाद गेम खेलना चालू कर देंगे, तो बच्चा उसमें कितना सतर्क हो जाता है, देख नहीं रहा है लेकिन उसके अन्य जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो एकदम एक्टिव हो जाती हैं। वो सुनने का प्रयास करता है, वो देखता है कहाँ से आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ के दम पर वो उस व्यक्ति के पास पहुँचने का प्रयास करता है कि नहीं, ये व्यक्ति यहाँ छुपा हुआ है, चाहे यहाँ खड़ा हुआ है, चाहे जिस भी तरीके से पहुँचता है। इस गेम को अगर आप टारगेट करके अगर आप इस प्रकरण को समझना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको गहनता से समझ में आएगा। बाकी के लिए तो हम फिर लगातार इस पर बने रहेंगे। लेकिन जो हम आज प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुए हैं कि अनुस्थिति की जो ट्रेनिंग है उसका जो प्रशिक्षण है वो कैसे दिया जाए, तो एक दृष्टिबाधित बच्चे के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो किसी व्यक्ति के साथ इधर उधर तो जा सकता है लेकिन वो कहाँ गया है, किस स्थिति में गया है और किस स्थिति में वो खड़ा है, चाहे कहाँ पर उसकी पोजीशन है, ये बड़ी चुनौती होती है कि कैसे हम किसी वस्तु को उसके स्थायित्व को चाहे उसके स्थान को हम अपने आप में परसीव कर पाएँ, कि ये समझ पाएँ कि ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है और इस प्रकार से उसकी चुनौती आ रही है। तो एक दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बड़ी चुनौती होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन चुनौतियों को हम पार नहीं कर सकते हैं। आज दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है हर क्षेत्र में अपने परचम लहरा रहा है, लेकिन उसको अगर प्रॉपर वे में प्रशिक्षण मिले, अगर प्रशिक्षण उसको प्रॉपर मिला है तो निश्चित रूप से वो आगे जाएगा। अगर प्रशिक्षण उसको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप चाहे जितना भी मेहनत कर लें शायद वो सार्थक दिशा में प्रयास नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम फोकस किए कि नहीं, जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी है हम तो उसके सिद्धांतिक रूप को तो बात कर लिए, लेकिन उसके व्यवहारिक रूप जो इन बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर हो वो कैसे संभव हो पाएगा। तो उसी संभावना को तलाश करने के लिए हमने ये प्रयास किया हुआ था कि कैसे इन चीज़ों को हम अपने आप तक समाहित करें। जैसे कोई वस्तु अगर हम देख लेते हैं तो जैसे ही हम देखते हैं तो उसके एक पटल हमारे मस्तिष्क में छप जाती है कि नहीं, ये वस्तु यहाँ है, चाहे जहाँ हम गए हैं तो वहाँ का एक लैंडमार्क सेट कर लेते हैं कि अच्छा वहाँ ये बोर्ड लगा होगा, इस तरीके का प्रकरण होगा। चाहे अगर हम लोग को कहीं जाना होता है तो हम एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं ना कि हम यहाँ खड़े हैं, ये दुकान है, इस तरीके का ये पहचान है, हम एक पहचान पहले बना देते हैं फिर उसके बाद लोगों को हम सूचित करते हैं। अब कल्पना करिए कि आप देख नहीं पा रहे हैं और बिना देखे आप कैसे उस लैंडमार्क को पहचानेंगे, कैसे उस स्थान को आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। सोचिए, केवल मात्र कल्पना करिए, एक सामान्य व्यक्ति को कल्पना करने से वो अंदर में उद्वेलित हो जाएगा, कितनी बड़ी चुनौती होती है। लेकिन कभी दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने आप में चुनौती नहीं मानता, वो अवसर देखता है कि हमें कितना अवसर मिल रहा है इन चीज़ों को जानने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए। तो हम जब इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो वो प्रयास करता है कि कैसे हम इन चीज़ों को करें, तो उसके दो पहलू पर मैंने फोकस कराया है कि एक तो ये हो सकता है कि जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो आप उसके तकनीकी से पहले अनुकूलित करा दीजिए
जैसे अगर व्यक्ति नहीं जा पा रहा है भाई दृष्टिबाधित है, हमेशा फोकस करके चलिएगा कि बच्चा दृष्टिबाधित है, ये पूरा प्रकरण उन्हीं के अनुसार हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि दृष्टिबाधित बच्चा है तो कैसे अब उसको हमको एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे एक स्थान की पोजीशन को दूसरे स्थान की पोजीशन से उसको सेट करना है, चाहे उसमें सामंजस्य बैठाना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो उपाय है कि उसको तकनीकी दे दी जाए, जैसे उसको लेजर कैन दे दिया जाए, चाहे GPS दे दिया जाए, चाहे उस तरीके की कोई ऐसी तकनीक है कि वो लेकर के जाए तो उस पूरे लोकेशन को वो ट्रेस कर दे, ताकि उस पूरे लोकेशन के माध्यम से वो दृष्टिबाधित बच्चा ये समझ जाए कि हम कहाँ पर हैं और मेरी पोजीशन इस समय क्या है। एक सरल उपाय ये है। दूसरा उपाय क्या हो सकता है? दूसरा उपाय ये हो सकता है कि व्यक्ति की जो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हो सकती है, अनगिनत है, लेकिन उन आवश्यकताओं को सीमित कैसे करता है व्यक्ति? अपनी क्षमता के अनुसार, कि नहीं मेरी अगर क्षमता है तो उसकी आवश्यकताएं असीमित हो जाएंगी, क्षमता सीमित है आवश्यकताएं सीमित हो गई। आप एक दृष्टिबाधित बच्चे को केवल आप अपने मानसिक पटल पर बैठा करके सोचिएगा, चाहे अपनी कोई भी कल्पना करिएगा, तो अपनी आंखें बंद करके फिर उसके बाद कल्पना करिएगा कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं, चाहे आपके कार्य का जो केंद्र बिंदु है वो दृष्टिबाधित बच्चा है, तो उसको हम किस प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान करें, चाहे किस प्रकार से उसको हम प्रशिक्षण दें ताकि उसको कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि वो अपने आप में भी सामंजस्य बैठाने में, संतुलन बैठाने में अपने आप को सहज महसूस करें। ये बड़ी चुनौती होती है, हमें जब एक स्पेशल एजुकेटर एज ए टीचर एज ए गार्जियन के रूप में सोचते हैं तो हमारी बार बार मनसा क्या होती है कि अरे तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम ये ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी आवश्यकताएं, तुमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। आप हम क्या सोचते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं, मैं इस प्रकार का हूँ, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, तो हमारी आवश्यकताएं असीमित हो सकती हैं, लेकिन जो बाधित व्यक्ति है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। शायद यहाँ पर हम गलत होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि केवल वो केवल देख नहीं पाता है, उसकी आवश्यकताएं उसकी इच्छाएं हमारे जैसी ही हैं, हम जो इतनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं वो भी चाहता है, लेकिन एक चुनौती रहती है कि हम किसी वस्तु को देख करके पूर्ति कर लेते हैं और इसको बिना देखे पूर्ति करना है। तो देख करके किसी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और बिना देखे किसी आवश्यकता की पूर्ति करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम कहीं जाते हैं तो हमारी आंखों से दिखता है तो हम केवल उस पूरी तस्वीर को बना लेते हैं अपने मानसिक पटल पे, कहते हैं कि यार ये स्थान बहुत अच्छा था, यहाँ पर ये दुकान बहुत अच्छी थी, यहाँ पर ये कपड़े की दुकान अच्छी थी, यहाँ पर खिलौने का दुकान अच्छा था, तो यहाँ पर मिठाई की दुकान अच्छी थी। मतलब हम एक कल्पना बना लेते हैं कि कितना अच्छा डेकोरेशन है, कितनी अच्छी है, लेकिन एक दृष्टिबाधित बच्चा कैसे अपनी कल्पना बनाएगा? आप सोचिए कि कैसे आप बिना वो देखे, अब वो आपसे ये भी कहेगा कि हाँ दुकान अच्छी थी, वहाँ के लोग अच्छे थे, वहाँ व्यवस्था अच्छी थी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक था, अब वहाँ के लिए हमारे लिए अनुकूलन था, तो ये सारी कल्पना वो कैसे करेगा? आप तो देख करके तुरंत उसका असेसमेंट कर लेते हैं, बेस्ट और बैड, दोनों कल्पना तुरंत ऑन द स्पॉट। लेकिन एक जो दृष्टिबाधित बच्चा है वो अपनी कल्पना को कैसे वो उजागर करेगा, कि पहले उन चीज़ों को समझे, कैसे कैसे किसी को देखे, फिर उसके बाद कहे कि नहीं ये सही है और ये गलत है। ये बड़ी चुनौती होती है, लेकिन ईश्वर ने हमें जो चार ज्ञानेंद्रियाँ दिया है, हमारी अपेक्षा उनकी चार ज्ञानेंद्रियाँ और एक्टिव हो जाती हैं, ताकि उनके जो आवश्यकता है उन्हीं के माध्यम से वो पूर्ति करने का प्रयास करता है कि कैसे इन चीज़ों को हम पूर्ति करें और कैसे इन चीज़ों में अपने आप को व्यवस्थित करता जाए। और व्यवस्थित करने का जब प्रयास करता है तो उसकी आवश्यकताओं का जो अनुकूलन होता है वो किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से वो करना चाहता है, उसमें आप ये भी देख पाते होंगे कि जैसे अगर कोई हमने प्रशिक्षण दिया तकनीकी का, तो अगर वो शहर में अगर आप सब कुछ व्यवस्थाएँ दे रहे हैं, तो अगर वही प्रशिक्षण सोचे वो गांव में कर ले तो मुश्किल होगा। वो इसलिए मुश्किल होगा कि शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो व्यवस्थाएं अलग होंगी, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं अलग होंगी, उन व्यवस्थाओं के क्रम में व्यक्ति अपने आप को कहां पाता है, ये बड़ी चुनौती होती है कि हम कैसे इन चीज़ों की पूर्ति करें। तो आप देखेंगे वहां सड़क, पानी और जो सुविधाएं हैं वो शहर की अपेक्षा गाँव में, गाँव की अपेक्षा शहर में, दोनों की व्यवस्थाओं में अंतर है। तो उस अंतर को भी हमें ध्यान रखना है, तब जा करके हम ये कह पाएंगे कि जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति है उसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, कि उसके आधार पर जब आप इन चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इन बच्चों को किस प्रकार से इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है,
उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में हम भी केंद्र बिंदु हो सकते हैं, उनका कलिग भी हो सकता है, उनके परिवार भी हो सकते हैं, उनके पड़ोसी भी हो सकते हैं, अन्य कोई भी व्यक्ति उनका आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हो सकता है जो उनका शुभचिंतक हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल डिपेंडेंसी से ही होगी, वो इंडिपेंडेंट होकर के भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उनके इंडिपेंडेंट होने के लिए उनको स्वयं में कितनी मजबूती देनी है इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो वो कौन से प्रक्रिया है, वो कौन से चरण हैं जिसके माध्यम से इनको हम मजबूती दे सकते हैं, चाहे जिनके माध्यम से हमें इनको समझाया जा सकता है कि जो अनुसूचित का प्रशिक्षण है वो उनको बेहतर समझ में आए और उस प्रशिक्षण के माध्यम से वो व्यक्ति अपने आप से ही सारे कार्य करने में सक्षम हो जाए। बड़ी चुनौती है ये, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या, बड़ी समस्या है। शायद मैं सामान्य व्यक्ति हूँ इसलिए हमें समस्या दिख रहा है, लेकिन जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है वो हमेशा समाधान की ओर रहता है, वो किसी कार्य में ना नहीं करता है कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा, मुझे अवसर तो दीजिए। कभी किसी दृष्टिबाधित बच्चे से आप वार्तालाप करिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि वो कभी ना नहीं कहेगा, आप ये कार्य कर लेंगे, हाँ मुझे मौका तो दीजिए। ये जो शब्द है वास्तव में एक दृष्टिबाधित बच्चे को सक्षमता प्रदान करता है कि हम उसे जितना अवसर देंगे, जितने उसको कार्य करने का अवसर देंगे, चाहे जिस स्थान पर उसको अवसर देंगे, उसकी समझ उसकी उतनी बेहतर होगी। लेकिन हम आप एक सामान्य जन होने के कारण क्या करते हैं कि नहीं नहीं इनको ये कार्य मत दीजिए। जैसे एक जो टर्मिनोलॉजी आता है कि बेचारा, मतलब हम उसको पहले ही उसको माला पहना देते हैं बेचारे का, उसके बाद उससे कार्य की अपेक्षा करते हैं, वो कैसे करेगा। आप उनको स्वच्छंद तरीके से मौका दीजिए कि नहीं आप ये कार्य कर सकते हैं, आप इस कार्य को करना चाहिए, आप करिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा, मेरे सुपरविजन में करिए। ये वाला जो कंसेप्ट है, एज ए स्पेशल एजुकेटर अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे ओरिएंटेशन मोबिलिटी का प्रशिक्षण देना होगा तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ये सारे कार्य करिए, लेकिन वहाँ सुपरविजन हमारा होगा। कभी उनको बता करके सुपरविजन करूँगा, कभी उनको बिना बताए सुपरविजन करूँगा, कि ताकि उनके जो डिपेंडेंसी है वो इंडिपेंडेंसी में बदल जाए। वो हर कार्य के लिए जो हमें परमिशन देनी पड़ती है वो हर कार्य को अपने सक्षमता के अनुसार करने का प्रयास करने लगे। तो ये बड़ी उपलब्धि होगी हमारे स्पेशल एजुकेटर के और इस शिक्षा जगत की कि नहीं हम इन बच्चों को इस प्रकार से प्रशिक्षण दें ताकि वो सारी चीज़ों को कर लें। लेकिन जब इन चीज़ों को करेंगे तो एक कल्पना आप करिए कि वो कौन कौन से घटक हो सकते हैं। वो पूरे एक घटक को अगर मैं समाहित करने का प्रयास करूं तो जिसको मैं पॉइंट वाइज बताने का प्रयास किया हूं कि इन इन बिंदुओं पर अगर हम विचार करने का प्रयास करें कि कैसे इनके जो अनुसूचित प्रशिक्षण है वो कैसे पूर्ति की जा सके, तो एक जो पॉइंट हमने सोचा, एकदम घर परिवार से चलिए कि सबसे पहले वो बच्चा घर में है तो अब वहाँ पे उसका अनुसूचित प्रशिक्षण कैसे कराया जाए। जैसे घर में चार कमरे हैं तो अब उस चार कमरों में कैसे वो आइडेंटिफाई करे कि मुझे इस कमरे में कार्य है, मेरा स्टडी रूम ये है, मेरा डाइनिंग रूम ये है, मेरा डाइनिंग टेबल ये होना चाहिए, मेरा किचन ये, वो कैसे आइडेंटिफाई करे। अगर मैं सारी सुविधा उस बच्चे को पहुँचा दे रहा हूं कि नहीं तुम एक जगह बैठे रहो और जो तुम्हें आवश्यकता हो वो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूर्ति करता हूं, तो वो तो डिपेंडेंट हो जाएगा ना कि उसको अगर एक गिलास पानी भी चाहिए तो आप ही को खोजेगा। लेकिन आप उसको इस तरीके से ट्रेनिंग दीजिए कि नहीं ये देखो तुम्हारा एक कमरा ये, एक कमरा ये किचन है, ये लैट्रिन है, बाथरूम है, ये इस तरीके के पूरे जो घर का बनावट है वो इस प्रकार का है। एक दो बार उसको प्रशिक्षण कराइए कि ये यहाँ पर ये रहते हैं, यहाँ पर ये है, मतलब एक बार अगर वो अपने मानसिक पटल पर वो चित्र बना लेगा कि नहीं ये अब घर का बनावट ऐसा है, तो वो अपने आप अपने कार्य की पूर्ति करने का प्रयास करेगा। हो सकता है 2-3 बार 4 बार 10 बार 100 बार अगर वो फेल हो रहा है तो निश्चित रूप से 101 बार में वो सफलता को प्राप्त कर लेगा। लेकिन उतने धैर्य की हमें आवश्यकता है जितने धैर्य की एक दृष्टिबाधित बच्चे को होती है। लेकिन अगर बच्चा मैं कह रहा हूँ तो निश्चित रूप से वो सामान्य बच्चों की ही तरह है, लेकिन उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो पूर्ति है, यही दोनों में अंतर है। एक सामान्य बच्चा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति एक बार आग्रह के बाद पुनः करने का प्रयास करता है कि नहीं अगर आप नहीं करें मैं खुद कर लूँगा। लेकिन एक दृष्टिबाधित बच्चे को ये बार बार सोचना पड़ता है कि मैं अपनी इच्छा तो जाहिर कर दिया, क्या उन इच्छाओं की पूर्ति मैं स्वयं कर सकता हूँ, क्या ये पूरा इन्वायरमेंट हमारे लिए अलाउ कर रहा है, क्या जो घर का बनावट है मुझे उस तरीके से जीने के लिए, उस तरीके से कार्य करने के लिए अलाउ कर रहा है। ये बड़ी चुनौती होती है। शायद अब लोगों में जागरूकता धीरे धीरे बढ़ी है कि नहीं इन बच्चों के लिए ही अपने घर के जो बनावट है, अपने घर के जो परिदृश्य है, अपने वातावरण का जो परिदृश्य है वो उस प्रकार से बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं अब इसमें ये बेहतर
होगा और इस तरीके से बेहतर हो सकता है। तो इसके एक पॉइंट परिवारजन हो गया। दूसरा देख सकते हैं कि जो एक दृष्टिबाधित बच्चे जो कपड़े का कंसेप्ट है, अब कपड़े के चुनाव में देखिए उसमें लिंग भी बहुत एक बाधा बनता है कि अगर वो दृष्टिबाधित बच्चा बॉयज़ है और एक दृष्टिबाधित बच्ची है तो दोनों के कपड़ों का चुनाव अलग अलग है, दोनों के कपड़े अलग अलग हैं, तो अब उन कपड़ों को कैसे वो पहचाने। दोनों तरीके से कर सकते हैं, या फिर उसको आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, एक दो बार कपड़ों की पहचान वो खुद पकड़ छू करके करे कि नहीं मुझे इस तरीके से करना है, चाहे कपड़ों में उस तरीके का कोई एक जैसे कह सकते हैं कि उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी एक हम उसमें संकेत डाल देते हैं कि ये कपड़ा इस रंग का है, ये कपड़ा ऐसा है, चाहे वो जिस भी तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करे, चाहे आप उनको दे करके बता लेंगे कि नहीं ये कपड़ा इस रंग का है, तो वो शायद उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन कर लेगा कि उसकी बटन, चाहे उसका कलर, चाहे उसके हाथ का, चाहे उसके हाफ है फुल है, कोई भी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन वो खुद बना लेगा कि ये जो कपड़ा है किस रंग का है, किस कलर का है और कब मुझे पहनना है। तो शायद उस तरीके की पूरी वो एक टर्मोलॉजी वो खुद बनाता है कि नहीं जो हमारा कपड़ा होगा वो कैसा होगा। अब देखिए घर से हम लोग चले तो घर से कपड़े पहन के चलना है, अब कपड़े का कंसेप्ट उसको बच्चे को देना है कि कपड़ा कहाँ रखा जाएगा, ये कपड़ा डेली यूज के कपड़े कहाँ रखे जाएंगे, ओकेजनली कपड़े कहाँ रखे जाएंगे, विंटर के कपड़े कहाँ रखे जाएंगे, समर के कपड़े कहाँ रखे जाएंगे, दोनों में अंतर कैसा है, ये तमाम तरीके की कल्पना आप खुद करनी है और उन बच्चों पर अप्लाई करना है कि नहीं अगर मुझे ढूंढने में समस्या हो रही है तो इन बच्चों को कितना होगा। जैसे हम लोग कभी घर में जब कपड़ों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो रखते जाते हैं, जब कभी होगा कि नहीं आज मुझे ये कलर पहनना है तो अब क्या होगा, अब पूरे कपड़े को ऊपर नीचे कर डालो, पूरा इधर उधर कर डालो, तब जाके कहीं एक कपड़ा हम लोग खोज पाते हैं। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम सामान्य जन हैं, हम देख पाते हैं। अब सोचिए अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो हर कपड़े का कलर, हर कपड़े का बटन, हर कपड़े की बनावट, वो उतनी पूरी चीज़ें हमें अपने मानसिक पटल पर रखनी होंगी, तब जा करके उन कपड़ों को मैं ढूंढ पाऊँगा और अपने मनपसंद के कपड़ों को पहन पाऊँगा। एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उन चुनौतियों को ऐसा नहीं कि हमें छोड़ देना कि नहीं इनको कोई एक ही कपड़ा दे दो और उससे उनका काम चलता रहे। अब मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ कि वो केवल बच्चा देख नहीं पाता है, बाकी वो सारी चीज़ों में आप ही के जैसा है, तो वो जितनी आपकी इच्छाएं होती हैं उतनी इच्छाएं उनकी भी हैं, उनकी इच्छाओं को नहीं मारना है हमें केवल अपने लिए कि नहीं उनको केवल ऐसा दे दो, दया का पात्र बना दो, नहीं। शायद अभी तक जो इनकी, मैं एक कठोर शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, दशा जो हो है, या शायद हमारी जागरूकता की ही कमी थी कि नहीं उनकी जो अभी स्थिति ऐसी है, तो शायद अगर इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस किए होते तो इस पर हम बेहतर कार्य कर सकते थे। अब जब वो कपड़े का कंसेप्ट जो हमारा क्लियर हो गया तो अब उसमें हम क्या देखेंगे कि जो घरेलू कार्य है, बार बार जब हम कभी कोशिश करते हैं कि घर का कार्य कौन करेगा, तो अगर घर में बच्चा दृष्टिबाधित है तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं तुम कर दो, ये तो बेचारा ऐसा है। ये जो टर्मोलॉजी में बार बार फोकस कर रहा हूँ कि किसी को बेचारे वाला टर्मोलॉजी मत दीजिए, आप उनको मौका दीजिए। अगर घर में आप झाड़ू लगा रहे हैं तो उनको भी झाड़ू लगाने का मौका दीजिए कि नहीं तुम भी साफ करो। हम कह रहे हैं कि एक दो बार साफ करेंगे उसके बाद उससे क्या होगा कि वो फर्श का पूरा अनुसूति अपने आप में सेट कर लेंगे कि नहीं मेरा जो फर्श है 10x10 का है और इतने कोने हैं और ये जगह ऐसा है, ये जगह ऐसा है, तो अपने आप वो सफाई जब करते जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि मैंने पूरे फर्श की सफाई कर ली या कोई फर्श का कोना छूटा हुआ है। तो जब ये तब होगा जब उनको मौका देंगे, जब मौका ही नहीं देंगे घरेलू कार्य में, उनको पानी लाने के लिए कहिए, उनको घर के कार्य करने के लिए कहिए, कोई भी घर का कार्य हो, कोई सामान लाना हो उसके लिए मौका दीजिए कि जाइए सामान लेकर के आइए, भाई बोलना ही तो है, दुकानदार देगा अपना, लेकिन हम उनको कह रहे नहीं उनको जाना होगा, दिक्कत होगी, ये होगा वो, तमाम तरीके के बहाने हैं जो एक दृष्टिबाधित बच्चा नहीं करता है, लेकिन हम उसकी सुरक्षा को अपने अनुसार निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी एक सामान्य जन ऐसा ही करेगा, मुझे भी करना होगा तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचूंगा कि नहीं यार वास्तव में सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन उस बच्चे के अगर जीवन के बारे में मुझे प्रशिक्षण के बारे में देना होगा तो प्रशिक्षण के लिए तो मुझे मौका देने ही पड़ेंगे कि नहीं तुमको तभी तुम ट्रेंड होगे जब तुमको इस तरीके का मैं अवसर दूँ, अवसर ही ना दूँ और कहूँ कि नहीं सारे कार्य तुम कर ले जाओ, कैसे कर ले जाएगा। तो ये बड़ी चुनौती होती है कि हमें कितने अवसर देने हैं ये भी तय करना पड़ता है। एज ए गार्जियन, एज ए स्पेशल एजुकेटर, हमें ये तय करना है कि नहीं उनको किस प्रकार के अवसर देने हैं और किस प्रकार के अवसर नहीं देने हैं, उन दोनों में एक सामंजस्य भी बैठाना है। ऐसा नहीं कि आप सारे कार्य दे दीजिए केवल इसलिए कि नहीं इनको और मुझे देना है, नहीं,
आप अवसर को भी पहचानिए कि इनके किस प्रकार के अवसर हमें प्रदान करने हैं, तब जाकर के हम ये कह पाएंगे कि नहीं ये ठीक है, इनको इस प्रकार का अवसर देना चाहिए, इस प्रकार का अवसर नहीं देना चाहिए। लेकिन सारे घरेलू कार्य को केवल इसलिए ना कराइए कि नहीं ये तो घर में ही ये काम करेंगे, नहीं, मतलब किसी भी तरीके का जो निगेटिविटी है उनके अंदर प्रवेश ना करे। लेकिन क्या करेंगे, जो बच्चा जन्म लेता है इस प्रकार का, तो शायद उसके जन्म से ही उसकी निगेटिविटी का एक जो चोला पहना दिया जाता है कि नहीं बेटा तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम अपने जीवन को काट लो, बस यही तुम्हारी बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन आज तमाम उदाहरण है हमारे पास कि ऐसे बच्चे अपने ही क्षमता पर तमाम लोगों के जो उदाहरण बने हुए थे, जो इमेज बना हुआ था, उसको तोड़ दिए हैं कि आप हमें इस प्रकार का ना समझिए, हम और भी कार्य कर सकते हैं अगर मुझे मौका आप देंगे। तो घरेलू कार्य से भी जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो खाद्यान्न की वस्तुएं हैं, खाद्यान्न क्या करेगा, जैसे होता है कि हम सब कुछ ला करके उनको दे देते हैं, बेटा तुम क्या खाओगे, वो बताए मुझे ये खाना मुझे वो खाना है, वो खा तो लेता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि ये होता कैसे है। जैसे अगर मुझे मैंगो देना है, आम देना है, तो हम उसको टुकड़ों में काट करके छील उल कर मतलब इतना दें कि केवल और मुख में खाए और उसका स्वाद ले ले, लेकिन उसके आकार को न समझ पाए, उसके जो सुगंध को न समझ पाए, ये सारी चीज़ें वो कैसे करेगा। जब उसको एक खड़ा आम आप देंगे, बोलेंगे लो तुम अपने अनुसार जैसे खाना तुम खाओ, काट खाना काट के खाओ, जूस खाना जूस बना के, जैसे भी तुम करो तुमको खुद करना है। अगर इतने अवसर हम देंगे तो शायद वो अन्य भी कंसेप्ट वो बना लेगा अपने इमेज में कि नहीं आम ऐसा होता है, सेब ऐसा होता है, अमरूद ऐसा होता है, सबके स्वाद अलग अलग होते हैं, तब वो अपने फल का आइडेंटिफाई कर लेगा कि नहीं आपने मुझे आम दिया है, ये मुझे सेब दिया है। अगर केवल और केवल उसको एक ही चीज़ आप देते जाएंगे तो वो स्वाद के अनुसार तो बता देगा कि नहीं ये ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, चाहे हो सकता है ये भी बता ले कि नहीं ये सेब है ये आम है, लेकिन वो कैसा होता है ये नहीं बता पाएगा। तो उसको पूरा इमेज बताने के लिए आपको इतने मौके उनको देने होंगे कि नहीं आप अपने अनुसार इसको पूर्ति करिए, कोई भी खाने की वस्तु हो, चाहे घर में हो, किचन में हो, चाहे बाजार की हो, कोई भी हो, आप उनको खुद करने के लिए अवसर दीजिए और खुद करने के लिए प्रेरित करिए कि नहीं आप इन चीज़ों को खुद करिए, और खुद करने के बाद जो बच्चे का कंसेप्ट बनेगा वो शायद उसके लिए स्थायित्व प्रदान करेगा कि नहीं वो अब समझ जाएगा कि मुझे अब हर कार्य को खुद करना है और खुद से कर भी मैं लूँगा। ये जो भाव आता है ये बड़ी उपलब्धि होती है एक बच्चे के लिए कि नहीं अब मैं ये कार्य कर सकता हूँ और मुझे ये कार्य करना चाहिए। तो ये बार बार प्रशिक्षण से आता है, ये कोई एक दिन की नहीं कि एक दिन प्रशिक्षण दिया और वो कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है रसोई घर में। अब खाने की चीज़ होगी, अब जाएगा रसोई घर में, रसोई घर में अब तमाम तरीके की वैरायटी है, अब उस वैरायटी में बच्चे को खुद कंसेप्ट बनाना है। हम लोग क्या करते हैं, देख लिया अच्छा ये नमक है, ये चीनी है, ये है, ये वो सारी चीज़ें, वो कैसे बनाएगा, उसको तो हर चीज़ स्वाद पे ही रहना है कि नहीं अगर ये किसका टेस्ट कैसा है, उसका सुगंध कैसा है, वो इसी आधार पर उस चीज़ बताएगा। हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं अच्छा ये चीनी है उठा लेते हैं, अच्छा ये नमक है उठा लेते हैं। अब वो बच्चा एक जो देखना नहीं है, अब दोनों आप उठाएंगे दोनों एक ही जैसा लगेगा, फिर आप क्या करेंगे। तो आप इनके प्रशिक्षण को केवल जब अपनी आँख बंद करके, चाहे आँखों में पट्टी बांध करके, जब आप केवल कल्पना मात्र करेंगे कि नहीं ये बच्चों को कितनी चुनौती होगी, ये बच्चे कैसे इन चीज़ों को सीख पाएंगे, तो शायद उनके प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया होगी वो सार्थक दिशा में इम्प्रूव होगी और वो बच्चा अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं वो सारे कार्य करने में सक्षम हो जाएगा। और भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो घर की जो अर्थव्यवस्था का, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो घरेलू काम धाम है, जैसे घर में जो थोड़ी बहुत चीज़ें उसको लाना है, ले जाना है, घर की सामान लाना है, घर की वस्तुएं कम हो गई उसको लाना है, चाहे घर के लिए उपयोगी जो भी वस्तु है उनमें इनको भागीदारी होनी चाहिए, उन चीज़ों को महत्व को समझें, उन चीज़ों को वो कार्य करने की प्रेरित हो कि नहीं मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए, अपने घर के लिए ऐसा करना, उसके रखरखाव के लिए ऐसा करना चाहिए, मुझे उस रखरखाव में मेरा क्या योगदान हो सकता है, ये भाव उनके अंदर कैसे जागृत होगा। वो तब जागृत होते जब आप मौके उनको देंगे कि नहीं आप घर में ये अगर कार्य हो रहा है तो इसमें आप भी उतने भागीदारी हैं जितना मैं हूँ। लेकिन हमारी जो आज की स्थिति है, चाहे हर एक गार्जियन की स्थिति होती है कि हम उसकी केवल दिव्यांगता को देखते हैं, कहते हैं अच्छा बेटा तुम रहने दो मैं खुद कर लूँगा, हम अवसर उनको देना छोड़ देते हैं, हमें बार बार उनको अवसर देना है और यही अवसर उनको मजबूत बनाता है। और इन्हीं अवसर को हमें पहचानना पड़ता है कि हमें अवसर किस प्रकार के देने हैं और कैसे देने हैं। कुछ उनके अकादमिक अनुसूची से तात्पर्य है कि जो पठन लेखन का जो कार्य है, रबड़ पेंसिल वगैरह वगैरह सब कुछ, लेकिन जो दृष्टिबाधित बच्चा उसकी जो अकादमिक है वो अलग होती है, उनके ब्रेल में किताबें आएंगे, स्टाइलस होगा, ब्रेल स्लेट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, और उन चीज़ों में बच्चा कैसे अपने आप से उसकी सूची बना रहा है
कि नहीं हमें किस प्रकार से इन चीज़ों को करना है और कैसे इनका रख रखाव करना है। तो शायद जब वो एक लिस्ट बनाएगा तो उसमें वो ज़्यादा बेहतर अपने आप को पाएगा। लेकिन अगर हम उनमें कुछ ऐसी परिवर्तन कर लेते हैं तो शायद वो कार्य तो कर लेगा, लेकिन उसके कार्य के समझने और कार्य को कर करके खुद की जो एक संतुष्टि होती है वो शायद उसको प्राप्त नहीं होगा कि हर कार्य में मुझे एक असिस्टेंट मिल रहा है, मुझे हर कार्य करने के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो शायद वो एक निगेटिविटी उसके अंदर घर कर जाएगी कि नहीं मुझे कार्य जब करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा। एक समय आएगा कि बच्चा बोलेगा ठीक है आप ही लोग कर दीजिए, जब मुझे करना ही नहीं तो मैं चुपचाप बैठा हूँ। ये भाव उसके अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन हम हमारा प्रशिक्षण अगर बेहतर दिशा में है, हमारा प्रशिक्षण सभी लोगों को जोड़ कर चलने का है, तो शायद ये बच्चा अपने आप में कभी ये सोचेगा ही नहीं कि मुझे ऐसा हो रहा है। आप इसके लिए तमाम मूवियाँ भी बनी हुई है, एक स्पर्श मूवी आप कभी देखने का प्रयास करिएगा, तो उसमें ये इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया। हालांकि वो मूवी है लेकिन उस मूवी के माध्यम से जो हमें एक समझ मिलती है कि नहीं इन बच्चों को हमें किस रूप में देखना चाहिए। बार बार हर एक पात्र जो जाता है वो कहता है कि नहीं मुझे इनके लिए दया का पात्र बेचारा, ये सब उनके लिए नहीं है। वो शायद आप देखेंगे तो शायद जो ओरिएंटेशन का जो प्रशिक्षण है वो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि नहीं इन्हें हर मौके देने चाहिए, वो चाहे जहाँ जो करना चाहे उनको करने तो दीजिए, फिर उसके बाद खुद ही समझ जाएंगे कि नहीं ये बेहतर है या गड़बड़ है। अगर बेहतर होगा तो आगे बढ़ाएंगे, गड़बड़ होगा परिवर्तित कर लेंगे, लेकिन ख़त्म होने का कोई नाम तो है नहीं कि नहीं अगर एक बार गड़बड़ हो गया तो उसको देना नहीं है। नहीं, उनको अवसर की मात्रा को बढ़ा दीजिए, अपने आप बेहतर हो जाएगा। जब बात आती है इनके अर्थ प्रबंधन की, भाई उनको खुद पैसे लेके दीजिए कि जाओ तुम खरीद के लाओ सामान। जब वो पैसे लेकर के जाएंगे तो पैसों को समझने के प्रयास, अब मान ली 100 रुपये का आप नोट दे दी, बोले 20 रुपये का सामान खरीद के लाओ, तो अब दुकानदार 80 रुपये उनको लौटाएगा तो सिक्कों में लौटा सकता है, नोट में लौटा सकता है। तो अब ये क्या करेंगे, जब आप खुद ला के दे देंगे तो वो समझेंगे नहीं कि कितना मेरे हाथ में पैसे हैं। तो आप उनको नोट पहचानने की कला तब समझ में आएगी जब इनको आप अवसर देंगे। आप उनको नोट दीजिए, जाए वो खरीदारी करके लाएँ, फिर उसके बाद समझ में आएगा कि नहीं हाँ ये 20 का नोट है, ये 50 का नोट है। कोई ना कोई एक साइज बनाएंगे, जैसे अपने हाथ से ही नोटों की मात्रा को बढ़ा लेंगे, अच्छा ये इतना बड़ा आएगा तो 50, इतना बड़ा आएगा तो 100, चाहे छोटा है चाहे सिक्का है बड़ा है, उसकी साइज वगैरह, उसका वजन वगैरह, उस पर बनावट वगैरह, वो तमाम तरीके के। अब तो ऐप आ गया है, अब मुद्रा ऐप से वो चेक कर लेंगे तुरंत कि नहीं ये कितनी की मुद्रा है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब संभव हैं जब उनको अवसर मिलेगा, जब उनको प्रशिक्षण मिलेगा। अब सारी चीज़ें उपलब्ध हैं लेकिन हमें चलाना ही नहीं आता है, फिर क्या करेंगे। आपको दूर जाना है, आपके पास 4-व्हीलर है, चलाने नहीं आ रहा है, तो उसमें 4-व्हीलर की क्या गलती है और आपकी क्या गलती है। आपके प्रशिक्षण की गलती है कि आपको उसको प्रशिक्षण ही नहीं मिला कि नहीं आप चला लेते तो फिर अपना काम स्वयं कर लेते, लेकिन मौका नहीं दिया गया तो हम कहाँ से सीख पाएँ, चाहे हम कहाँ से कर पाएँ। तो ये जो अवसर वाली जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये प्रशिक्षण जिस पर मैं हम बातचीत कर रहे हैं वो प्रशिक्षण तभी संभव है जब उसकी प्रक्रिया बार बार होगी, तभी प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण का मतलब ये है कि आप उसको बार बार करने का अवसर दिया जाए और यही अवसर उसको मजबूती प्रदान करेगा और इसी अवसर पर वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। उसके अलावा एक निश्चित स्थान वो कैसे बनाएगा, वो जब हम देखते हैं कि नहीं किसी जगह को हम कैसे पहचान पाए, तो एक स्थान लैंडमार्क हो जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ, अस्पताल हुआ, मंदिर हुआ, घर हुआ, चाहे किसी भी तरीके का, तो एक स्थान का एक बनाना पड़ेगा ना कि अच्छा इस घर के सामने ये है, इस घर के स्थान ऐसा हो सकता है। मंदिर जाऊंगा तो वहाँ घंटी जरूर बजेगी, पोस्ट ऑफिस जाऊंगा तो वहाँ पोस्ट ऑफिस वाले जो भी जैसे भी एक लैंडमार्क होगा वहाँ इस तरीके का सिंबल लगा होगा, तो वो बच्चा अपने आप में एक स्थान को निश्चित कर लेगा। तब उसके बाद वो अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर लेगा कि नहीं अगर मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है तो इधर नहीं इधर है, मुझे अस्पताल जाना है तो इधर नहीं इधर है, मुझे घर जाना है तो मेरे घर का रास्ता इधर है। वो अपने आप इमेज बना लेगा, लेकिन उस इमेज बनाने में उस सब ओरिएंटेशन की जो ट्रेनिंग है वो एक बेहतर जरूरत पड़ती है कि नहीं उसको ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग कितनी बेहतर तरीके से दी गई है। और लास्ट में आता है कि उसका कंसेप्ट जो बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है। हम जो किसी वस्तु को देख लेते हैं तो तुरंत इमेज बना लेते हैं कि नहीं ये वस्तु ऐसा है, लेकिन आप अपने आंखों पर पट्टी बांध करके कल्पना करिए कि कैसे किसी वस्तु का इमेज बनाया जाता है और कैसे किसी वस्तु का इमेज बनता है। तो वो ये एक ओरिएंटेशन का जितना बेहतर प्रशिक्षण होगा, और इसमें मैंने प्रयास ये किया है कि ओरिएंटेशन का प्रशिक्षण तभी बेहतर होगा जब वो एक विशेषज्ञ की भूमिका में होगा और विशेषज्ञ की देख रेख में होगा,
तब शायद जा करके हम ये कह पाएंगे कि नहीं, अब जो दृष्टिबाधित बच्चे का जो ओरिएंटेशन वाला प्रोसेस है वो बेहतर हो रहा है। इसी तरीके का एक प्रकरण हम मोबिलिटी में भी देखने का प्रयास करेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई, हमने इनको बता दिया कि अगर तुम मंदिर जाओगे तो वहाँ घंटी बजेगा, लेकिन वो मंदिर पहुँचेगा कैसे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस प्रकरण के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो बाइट लाइन लिख करके बता सकते हैं, मैं उसको देखूंगा तो उसके माध्यम से फिर आपसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि नहीं हम कैसे इन चीज़ों को कर पाएँ और कैसे इन चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।